मंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री, हमने कई बार इनको चिट्ठियां लिखी और ये जानकारी दी कि हॉलीडे होमवर्क बच्चों के लिए बहुत ही तकलीफ देह है, ये बचपन पे कलंक है। बच्चों के लिए अवकाश उतना ही जरूरी है जितना बड़ों के लिए। और रुक करेंगे अगली खबर का। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद कांग्रेसी खेमे में जश्न का माहौल है। दौसा के गांधी तिराहे पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एकत्रित होकर जमकर आतिशबाजी करते नजर आए, जश्न मनाया गया। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों का कहना था कि अब पूरे देश में माहौल बदलने लगा है और धर्म और संप्रदाय के नाम से वोट मांगने वालों को कर्नाटक की जनता ने करारा जवाब दिया है। ऐसे में अब आगामी दिनों में होने वाले राजस्थान सहित अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का परचम लहराएगा। जो भी चुनाव होंगे उनमें कांग्रेस भारी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। कर्नाटक जनता ने सांप्रदायिकता के खिलाफ वोटिंग किया है और ये सिद्ध कर दिया कि सांप्रदायिकता और धर्मवाद पर कोई राजनीतिक पार्टी नहीं चल सकती। और मोदी और अमित शाह के झूठे वादे जो जुमले थे जनता ने पहचान लिया और कर्नाटक में एक तरफ कांग्रेस की जीत। कर्नाटक में विधानसभा के जो चुनाव हुए उसमें बजरंगबली की जीत हुई और बजरंग दल की बहुत बुरी हार हुई। 136 सीट ला करके आज देश के आम कार्यकर्ता में कांग्रेस के में एक उत्साह और उत्साह का संचार हुआ है और हम उसकी खुशी में आज ये यहाँ पर दौसा में खुशी मना रहे हैं और ये बजरंगबली की कृपा है। ये ऐतिहासिक जीत भ्रष्टाचार के मुक्त हुई है। बीजेपी के खिलाफ जो भ्रष्टाचार, जो झूठा प्रचार किया जा रहा था, अंधविश्वास फैलाया जा रहा था, उसके खिलाफ ये सबसे बड़ी जीत हुई है। और खबर महंगाई राहत कैंप से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दे, महंगाई राहत कैंप के 20 दिन पूरे हो चुके हैं। अब तक 89 लाख परिवार इससे लाभान्वित हुए हैं, जबकि